सब ठीक हैं। आज हमारे सबक का उन्वान है कसूर इशारिया की जमा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कसर इशारिया किसे कहते हैं। कसर इशारिया से मुराद वो नंबर्स हैं जिनमें इशारिया मौजूद होता है। इशारिया की लेफ्ट साइड पे जो नंबर होते हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं, यानी मुकम्मल अदाद कहते हैं। कसूर इशारिया दो तरह की होती है, एक जैसी कसूर इशारिया, मुख्तलिफ कसूर इशारिया। सबसे पहले हम बात करते हैं एक जैसी कसूर इशारिया की। एक जैसी कसूर इशारिया वो होती है जिसके मुरातिब एक जैसे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मुरातिब किसे कहते हैं, तो बच्चों इशारिया की दाएं जानिब जितने नंबर्स होते हैं उनको हम मुरातिब कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक जैसी कसूर इशारिया की। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्वेश्चन है 1.21 प्लस 1.34, तो ये क्या हुआ, एक जैसी कसूर इशारिया, क्योंकि हमारे पास मुरातिब एक जैसे हैं। अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ कसूर इशारिया की। मुख्तलिफ कसूर इशारिया वो होती है जिसके मुरातिब डिफरेंट होते हैं, जिसके मुरातिब मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा सवाल है 0.21 प्लस 3.456। अब हमारे पास मुरातिब जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, मुख्तलिफ कसूर इशारिया। हम कसर इशारिया में दाएं जानिब मुरातिब में सिफर का इजाफा करके मुख्तलिफ कसर इशारिया को एक जैसी कसर इशारिया बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम मुरातिब में सिफर का इजाफा करेंगे तो इसमें इससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि कसूर इशारिया को जमा कैसे करते हैं। कसूर इशारिया को जमा करने के कुछ असूल हैं जिनके बगैर हम कसूर इशारिया को जमा नहीं कर सकते। सबसे पहला असूल इसका यह है कि नुक्ता इशारिया को ऊपर नीचे लिखना। दूसरा असूल इसका यह है कि मुरातिब को बराबर करने के लिए दाएं जानिब सिफर का इजाफा करना। तीसरा असूल इसका यह है कि जिस तरह हम मुकम्मल अदाद को जमा करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम कसूर इशारिया को भी जमा करते हैं। अब हमारा सवाल यह है 32.143 जमा 18.92। अब हम अपने सवाल को इस तरह से तरतीब देंगे कि इशारिया के नीचे इशारिया और इकाई के नीचे इकाई आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इकाई किसे कहते हैं, तो बच्चों मुकम्मल अदाद की दाएं जानिब पहले हिस्से को हम इकाई कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे मुरातिब एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं। तो बच्चों हमारे मुरातिब मुख्तलिफ हैं। मुरातिब को एक जैसा करने के लिए हम इशारिया के बाद जो 9.2 है उसके साथ जीरो लगा देंगे ताकि हमारे मुरातिब एक जैसे हो जाएं। अब हम सवाल को बिल्कुल उसी तरह से हल करेंगे जिस तरह हम मुकम्मल अदाद को जमा करते हैं। 3 में हमने सिफर को जमा किया तो हमारे पास आ गया 3। 4 में हमने 2 को जमा किया तो हमारे पास आ गया 6। 9 में हमने 1 को जमा किया तो हमारे पास आ गया 10। 10 का सिफर हमने अपने जवाब में लगा लिया और जो हासिल था वो हमने आगे भेज दिया। अब हमने 2 में 8 को जमा किया तो हमारे पास आ गया 10। 10 में जो हमने 1 हासिल लिया था उसको जमा किया तो हमारे पास आ गया 11। 11 का 1 हमने आंसर में लगाया और 1 हमने हासिल आगे भेज दिया। 3 में हमने 1 को जमा किया तो हमारे पास आ गया 4। अब हमने जो हासिल लिया था 1 उसको हमने 4 में जमा किया तो हमारे पास आ गया 5। तो अब हमारे पास जवाब क्या आ गया, 5 1 0 6 3। तो बच्चों अब हम इशारिया कहाँ लगाएंगे, असूल ये है कि इशारिया को इशारिया के नीचे लिखते हैं, तो जवाब में भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, इशारिया को इशारिया के नीचे लिखेंगे। तो अब हमारे पास जवाब आ गया 51.063। अब हम कसूर इशारिया की जमा को दोहराते हैं। सबसे पहले हम इशारिया के नीचे इशारिया को लिखेंगे, जवाब में भी हम इशारिया के नीचे इशारिया को लिखेंगे, उसके बाद हम इकाई के नीचे इकाई को लिखेंगे, उसके बाद हम मुरातिब को सेम करने के लिए, मुरातिब को एक जैसा करने के लिए इशारिया की दाएं जानिब सिफर का इजाफा करेंगे, और जिस तरह से हम मुकम्मल अदाद को जमा करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम कसूर इशारिया को भी जमा करेंगे। जिस तरह हम कसूर इशारिया को जमा करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम कसूर इशारिया की तफरीक भी करते हैं। कसूर इशारिया की जमा और तफरीक करना बहुत ही आसान है। उम्मीद है आज का लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।